हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेडियो इंस्टीट्यूट में। बेटा, ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नर्वस होता था, पेपर सर कंप्लीट नहीं हो पाते, पेपर बहुत लेंथी रहते, तो आप लोगों को एक सिंपल सा 2 मिनट का ट्रिक दे रहा हूँ। ऐसे पेपर लिखो, आप लोग का पेपर भी अच्छा जाएगा, एग्जामिनर के माइंड में भी लग जाएगा कि आप लोगों को पूरे के पूरे पेपर अच्छे से आते हैं, तो एग्जामिनर आपका पेपर भी इतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं करेगा। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है 20 मार्क का, उसको पूरा अच्छे से लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद में, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सप्लीमेंट पे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा मैंने 20 मार्क का लिख दिया अच्छे से, पूरा 20 के 20। उसके बाद मैं देखूंगा मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का, अगर बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर क्वेश्चन नंबर 8 का जो ब्रीफ आंसर है अगर आप लोगों को एकदम अच्छे से आता है, एकदम अच्छे से, मतलब जो आप लोग पढ़े हो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है एकदम, उसको अच्छे से याद किया, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 लिखो सबसे पहले जाके, और क्वेश्चन नंबर बराबर डालो। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा क्वेश्चन रहेगा अटेम्प्ट कर, पहला कि दूसरा, उसको पहला या दूसरा जो भी रहेगा उसको डाल के उसके बाद में आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो बेटा, आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसके अंदर मैप का मतलब वेब बना दो। एक वेब मतलब कैसा, मीन्स अगर तुमको पूछ ले टाइप्स ऑफ बैंक, ऐसा लिख दिया टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद में आप लोग इसका ऐसा मैप बना दो, ऐसा टाइप्स ऑफ बैंक में कौन से टाइप के बैंक है, जैसे डोमेस्टिक बैंक, नेशनलाइज बैंक के अंदर कौन कौन से टाइप है ऐसा बताओ एग्जामिनर को, उसके अंदर फॉरेन बैंक के अंदर कौन कौन से टाइप है ऐसा बताओ एग्जामिनर को। तो ऐसा बेटा, आपको सबका ऐसा पार्ट बता के करने का, कोई भी फीचर्स में हम लोग लिख दिए, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। तो ये एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग में बेटा जो एडवांटेज है इसके पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट को ऐसा मेंशन हो, ऐसा प्रेजेंटेशन भेजो, हर पॉइंट को ऐसा मेंशन करो जिसकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा एग्जामिनर के टाइम, और एग्जामिनर को ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है, जो बच्चे लोग एक्स्ट्रा कुछ करके देते पेपर में, एग्जामिनर भी उसको हर बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर देते हैं, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखना, हर पेपर में अप्लीकेबल करो, जितना भी अभी आपका पेपर होने लगा OC SPE को तीनों पेपर में जरूर डेफिनेटली ऐसा कुछ फॉलो करो कि तुम्हारा पेपर एकदम यूनिक दिखे, ठीक है, इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है बेटा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, उनको भी इस पेपर प्रेजेंटेशन में कैसा लिखना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिसके वजह से आने वाले टाइम में जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रिलेटेड टू द स्टडी और एजुकेशन हम लोग आपके तरफ पहुंचाते रहे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।